भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बाद केंद्र में मोदी सरकार पार्ट टू बनने जा रही है। यह 2014 को दोहराते हुए प्रदेश से 25 सांसद भाजपा को दिए गए। ऐसे में प्रदेश की उम्मीदें ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब हर किसी की नजर मोदी के आने वाले मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। इस बार प्रदेश से कौन कैबिनेट मंत्री हो सकता है, इसकी चर्चा जोरों शोरों पर है। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और साथ ही हनुमान बेनीवाल और सीपी जोशी के नाम की चर्चा गरम जोशी पर। आप भी देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान ने भी लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। सभी 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल की। प्रदेश की जनता ने 58% वोटों के साथ मोदी के खाते में 25 सीटें दे दी। इसमें नागौर सीट पर एनडीए में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल को भी जीत मिली। दूसरी ओर मोदी सरकार के पार्ट टू से राजस्थान के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि सांसदों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की भले ही इच्छा नहीं जताई हो, लेकिन इसी बीच लामबंदी जरूर शुरू कर दी है। अधिकांश नेता दिल्ली में जमे हुए हैं, तो कुछ राजस्थान से ही बड़े नेताओं से संपर्क में हैं। पिछले मोदी मंत्रिमंडल में निहाल चंद मेघवाल, अर्जुन मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांवरलाल जाट, पीपी चौधरी, सीआर चौधरी को जगह मिली थी। मोदी पार्ट टू के दावेदार। मंत्रिमंडल के पहले चरण में संभावित नाम, गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर मिल सकता है मौका। अर्जुन मेघवाल भी शामिल हो सकते हैं पार्ट टू में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हनुमान बेनीवाल, सीपी जोशी के साथ दिया कुमारी हो सकती है मंत्रिमंडल में शामिल। राज्यसभा के गद्दावर नेता भी हैं दौड़ में हैं शामिल। ओम माथुर, भूपेंद्र यादव को मिल सकती है तवज्जो। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी हैं मंत्री पद के प्रबल दावेदार। वैसे पिछली सरकार में 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलेगा। इससे ये साफ है कि प्रदेश में मौजूदा 4 मंत्रियों में से 2 पर संकट आ सकता है। हालांकि जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और बीकानेर से अर्जुन मेघवाल को पहले ही मौके में जगह मिल सकती है। इसके बाद दिया कुमारी, हनुमान बेनीवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सीपी जोशी शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को भी मोदी पार्ट टू से अधिक उम्मीदें हैं। ये एब्सोल्युटली प्रधानमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है कि वो मंत्री किसको बनाए, किस राज्य की कैसी स्थिति है, उसके अनुसार उनको मंत्रियों का चयन करने की स्वतंत्रता रहती है। इसलिए वो निर्णय करें ज्यादा ठीक है, हमको पूछेंगे तो हम जरूर बताएं। राजस्थान ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए सभी 25 सीटें मोदी की झोली में डाल दी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन से सांसद मोदी मंत्रिमंडल में जगह ले पाते हैं। A1 TV के लिए जयपुर से पिंटू सिंह नरुका की खास रिपोर्ट।